दोस्तों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामाहा। दोस्तों आज ओल्ड मॉडल बुलेट का क्लच, ये देखो दोस्तों, ये अलग से प्लेट आती हैं, इसकी कटोरे के अंदर फिटिंग होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम टाइमिंग से बिठा के इसकी रिपीट लगा देंगे। खैरात पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी शॉप में कर सकते हो इसे रिपेयर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो क्लच प्लेट हार्ड हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये आप बदल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये देखो एल्युमिनियम रिपीट है इसमें। दोस्तों ये देखो एल्युमिनियम रिपीट हम ऐसे लगा लेंगे, और ऐसे लगाने के बाद में इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ लगा लेंगे जिससे कि रिपीट पे सेट बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, और इसे आराम से इस तरीके से ऐसे फिट कर देंगे। ये दोनों तरफ प्लेट लगती है बुलेट ओल्ड मॉडल में। ठीक है दोस्तों, बुलेट ओल्ड मॉडल 350 cc, हल्के से हम हथौड़ी की मदद लेंगे, हल्के से बिठा लेंगे, और बिठाने के बाद में इसे फिटिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये बैठ गई हमारी, ज़्यादा दबा के चोट नहीं मारनी, नहीं तो टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये अब हमने बिठा लिया, ये हल्की हल्की चोट मार लेंगे। चोट मारने के बाद में एल्युमिनियम की रिपीट होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम तो होता नहीं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे फिट करके ये लगा लेंगे और रिपीट अच्छी तरह बैठ जाएंगी। ये देखो हमने रिपीट लगा दी। बाज़ी दफ़े क्या होता है, रात बेरात में गाड़ी आ जाती है, परेशानी हो जाती है, खैर आदि की दुकान नहीं खुली हुई होती, तो ख़ुद कर लो, इसमें ख़ुद करने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये देखो आराम से हम फिट कर लेंगे, और फिट करने के बाद में इसे ये देखो आराम आराम से हम चोट मार रहे हैं, और देखो ये पिन से हल्के हल्के अंदर बिठा लेंगे, अंदर बैठनी चाहिए फेस से अंदर। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये और ये हमारी बिल्कुल फिट बैठ गई। और ऐसे ही इसमें एक वो लगा लेंगे टैग, जो इसके का नाम इसमें अच्छी तरह रिपीटिंग हो जाए। ठीक है दोस्तों, हल्की हल्की हम रिपीट मार लेंगे। ये देखो ऐसो ये इस तरीके से ये देखो हमारी रिपीट एल्युमिनियम की सेट हो गई। बाज़ी दफ़े क्या होता है, कस्टमर क्लच कटोरा नहीं बदलवा सकता, तो ये कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी हार्ड हो जाती है और हमारी गाड़ी की वाइब्रेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। गाड़ी वाइब्रेट भी करने लगती है जब ये फूक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो इस तरीके से हम फिट कर देंगे। ये इस तरीके से ये हमारा कटोरा बिल्कुल सेट हो चुका। ये देखो रिपीट भी अंदर है, और जो कोई रिपीट बाहर निकल जाए उसे अंदर कर लें। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये देखो सेट हो गई बड़े आराम से। ये देखो ये हमारा कटोरा ऐसे लगा के एक दफ़े रिपीट और कर देंगे, जिससे कि सेट बैठ जाए, रिपीट अंदर चली जाए, बाहर न होनी चाहिए, नहीं तो आवाज़ कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये देखो हो गया सेट हमारा क्लच कटोरा। ये अभी से ऐसे लगा देंगे, ये देखो ये बिल्कुल इसकी प्ले भी ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले इसमें प्ले बहुत आ रही थी, और ये लॉक हम पेचकस की मदद से लगा देंगे। ये देखो इस तरीके से
ये देखो ये लगा दिया हमने लॉक, ये चारों तरफ से लॉक सही तरीके से बैठना चाहिए दोस्तों, जिससे कि लॉक निकले ना। ये देखो बड़े प्यार से कर रहे हैं हम काम। ये देखो ये बिल्कुल प्ले ख़त्म हो गई, पहले इसमें प्ले बहुत ज़्यादा हो रही थी, आगे पीछे हो रहा था ये, ठीक है दोस्तों। और ये देखो ये ख़राब प्लेट थी इसकी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम बढ़ाएं।